हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू लाचा टोकरी, जो कि बहुत ही कम समय में बनके रेडी हो जाएगा और इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल बाजार जैसी बनाएंगे। और ये कोई भी एडिटेड वाली पिक्चर नहीं है या फिर वीडियो नहीं है जो आप देख रहे हो, हम डिटो ऐसे ही बनाएंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है और घर पर सभी को ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू, क्योंकि हम आलू की लच्छा से बनाएंगे लाचा टोकरी। टोकरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 आलू को अच्छे से धो के उसका छिलका निकाल के उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ, और बड़े वाले साइड पे ग्रेट नहीं कर रही हूँ मैं, जो छोटी वाली साइड होती है ग्रेट करने के लिए उसी में ग्रेट कर रही हूँ। और देखिए, मैंने इसको ग्रेट कर लिया। अभी मैं इसको धो के इसका स्टार्च निकाल दूँगी। इसको हम करीब 4 से 5 बार धोएंगे ताकि इसकी जो स्टार्च है वो बहुत अच्छे से निकल जाए। 4-5 बार इसको धोने के बाद जब इसमें स्टार्च निकल जाए, तब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पानी में से निचोड़ के एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर हम फैला देंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ताकि इसमें अगर कुछ पानी रह गया होगा तो टिश्यू पेपर अच्छे से सोख कर लेगा। अभी आलू के ये सारे लच्छों को हम अच्छे से हाथ से निचोड़ के टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देते हैं, और फिर इसको डालने के बाद ये काफ़ी हद तक पानी सोख कर लेता है टिश्यू पेपर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे कुछ चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च है या फिर और कोई अरारूट है, आप वो भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, और कॉर्नफ्लोर डाल के क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मत डालिए, बस थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालिए, ताकि ये जो आलू है ना वो बिल्कुल सूखा सूखा लगे और थोड़ा सा इस तरह से खिला खिला रहे, बिल्कुल चिपका चिपका ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स करते रहिए। यहाँ पर 5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डाल के उसको मिक्स किया है। आप जितना आलू लिए होंगे उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना ये बिल्कुल इस तरह से खिला खिला होनी चाहिए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छन्नी की मदद से इसका जो टोकरी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, एक छन्नी की मदद से छन्नी पर हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप ये वाला छन्नी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो चाय छन्नी आती है ना, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। पर आपको 2 छन्नी चाहिए, एक छन्नी इस तरह का और एक छन्नी इससे थोड़ा सा छोटा वाला चाहिए। अगर आप चाय छन्नी यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा वाला चाय छन्नी और थोड़ा सा छोटा वाला चाय छन्नी यूज़ कर सकते हो, पर प्लास्टिक का मत यूज़ करिएगा, स्टील का अगर चाय छन्नी होगा तभी यूज़ करिएगा। और आलू के लच्छों को स्प्रेड करने के बाद हमें छन्नी को इस तरह से तेल में डालनी है, और इसके ऊपर एक उससे छोटा वाला छन्नी रख के प्रेस करना है। और तेल बिल्कुल गर्म है, आपको तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम के अंदर रख के करना है, और इस तरह से हमें ऊपर से छोटा वाला छन्नी से प्रेस करना है, ताकि ये थोड़ा सा डिप बने और हमारा टोकरी बन सके। तो बस थोड़ी देर बाद वो ऊपर वाला छन्नी निकाल लो, और फिर इस तरह से तेल को ये लच्छों के ऊपर आने दो, ताकि ऊपर से भी अच्छे से ये पक सके। तो बस इस तरह से करना है, और फिर हम इसको निकाल देंगे। पर सबसे जो मेन चीज़ है वो है, आप छन्नी से ये जो टोकरी है उसको कैसे निकालोगे। ये ऐसा नहीं है कि जब हो जाएगा तब आप उसको उल्टा दोगे तो पलट दोगे तो ये इजीली निकल आएगा, इजीली नहीं निकलता है। तो कैसे निकालना है वो मैं आपको ये दूसरा कर रही हूँ, दूसरा टोकरी बना रही हूँ, मैं अभी आपको दिखा दूँगी। दूसरा टोकरी भी सेम प्रोसीजर में ऊपर से प्रेस करते हुए किया मैंने। तो बस अभी इसको थोड़ा सा ऊपर से पकने देते हैं, फिर अभी मैं इसको निकालती हूँ। और जब हम इसको निकाल के टोकरी को रखेंगे ना, एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के निकालेंगे, ताकि ये बहुत तेल अब्जॉर्ब करता है, तो वो तेल अच्छे से टिश्यू पेपर सोख कर ले। अभी इसको अच्छे से तेल को निकाल के ही हमें टिश्यू पेपर के ऊपर रखना है। तो देखिए, इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर रख देना है, और छन्नी को, छन्नी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से बीट करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे, वरना ये टोकरी हमारा टूट जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो बस देखिए, बस थोड़ा सा ही प्रेस करते हैं, थोड़ा सा बीट करने से ये बिल्कुल टोकरी हमारा निकल गया। बस इस तरह से इजीली हमें करना है, बिल्कुल चम्मच की मदद से इसको मत निकालना, वरना टूट जाएगा टोकरी, टोकरी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। तो बस इस तरह से मैंने 3 टोकरी बना लिया है। तो अभी हमारी टोकरी तो बन गई, अभी हम बनाएंगे इसका चाट। तो चाट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी दही और कुछ सब्जियां चाहिए। सब्जियां आप क्यूकम्बर यूज़ कर सकते हो, और सब्जियों में आप यूज़ कर सकते हो टमाटो, प्याज। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है टमाटो, प्याज, क्यूकम्बर, जिसको मैंने बस इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और मैं यूज़ कर रही हूँ दही और कुछ नमकीन। अगर आप इसमें कर्न डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो स्वीट कर्न, ऑब्वियसली स्वीट कर्न ही डालिएगा, नॉर्मल कर्न डालने से टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर आप स्वीट कर्न डालना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, पर मैंने सिर्फ यहाँ पर इतना सब्जियों का यूज़ किया है। और इसमें अगर आप कोई भी चटनी डालना चाहते हो, जैसे कि पुदीना चटनी हो गया, या फिर कोई भी खट्टी वाली चटनी डालना चाहते हो, तो आप डाल सकते हो।
अगर आपको इसमें टमाटो केचप भी ऐड करना पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने कोई भी चटनी नहीं डाला है ना ही टमाटो केचप डाला है। तो आपको जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हो। अभी सारा सब्जियों को मैंने हर टोकरी में डाल दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमकीन। तो मैंने यहाँ पर नमकीन में कुछ मिक्सर यूज़ किया है और नमकीन में मैंने जो पीनट्स वाली पकौड़ा आता है वो मैंने यूज़ किया है। तो आपको जो भी नमकीन पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो, सेव यूज़ कर सकते हो, जो भी नमकीन आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो। सारा नमकीन डालने के बाद हमें इसमें ऐड करनी है दही। और मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही इजी स्टेप में बहुत इजी तरीक़े से बताया है, जैसे मैंने किया है डिटो आपको वैसे ही मैंने बताया है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप बहुत ईजीली बना सको। मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी चैनल थोड़ी स्टेबल हो जाए, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया है तो लाइक कर दे मेरे वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए। और मैं करीब 95 रेसिपीज़ पोस्ट कर चुकी हूँ अब तक, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको उनमें से कोई पसंद आ जाए तो मेरे लिए वो खुशी होगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप घर पे बनाइए और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी टेस्ट कैसी लगी, क्या लगी, और साथ ही में बताना कि आपके घर में सभी को पसंद आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अगर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है food_n_style_experiments। इसी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मतलब जिस नाम से मेरी यूट्यूब आईडी है उसी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई और रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं उस तरह की रेसिपीज़ पोस्ट करना पसंद करूँगी। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्जॉय।